नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोविड 19 के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके कारण दुनिया भर में कोविड 19 के नए वेरिएंट को लेकर डर का माहौल भी अब दिख रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई लोगों की जान भी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है कि कोविड 19 या उसका कोई भी वेरिएंट अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ वैज्ञानिक इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी कह रहे हैं, तो कुछ इसे बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी का नाम दे रहे हैं। वहीं जाने माने रोग प्रतिरक्षा वैज्ञानिक शेन क्रॉटी इस तरह की वेरिएंट वाले लोगों को बुलेट प्रूफ इस तरीके की इम्यूनिटी वाले लोगों को बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी के बजाय हाइब्रिड इम्यूनिटी कहना पसंद करते हैं। इसी को लेकर उन्होंने हाल ही में अपना लेख भी प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कोविड 19 के खिलाफ बहुत ही प्रभावी साबित हुई है। कोविड 19 से जुड़ी बुरी खबरें हम सब वैसे भी लगातार सुन रहे हैं, इन सब के बीच हाइब्रिड इम्यूनिटी से जुड़ी खबर निश्चित ही उत्साह बढ़ाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोविड 19 से जुड़े लगातार कई अध्ययन बीते कई दिनों से किए जा रहे हैं। इसमें पता चला है कि कुछ लोगों के शरीर में कोविड 19 से मुकाबला करने की जबरदस्त क्षमता पैदा हो गई है। वहीं अब उनका शरीर न सिर्फ उच्च स्तर के एंटीबॉडी को पैदा कर रहा है, बल्कि उनके एंटीबॉडीज में नई परिस्थितियों के साथ तारतम्य बिठाने की क्षमता भी आ चुकी है। मतलब उनके एंटीबॉडी उसी तरह अपनी क्षमता में परिवर्तन कर सकते हैं जैसे कोविड 19 अपना रंग रूप और स्वरूप बदल रहा है। यही कारण है कि बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी वाले इन लोगों पर कोविड 19 के अल्फा, बीटा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, ओमिक्रॉन जैसे तमाम वेरिएंट्स का कोई असर नहीं हुआ है। इस बात की पिछले महीने की जा रही एक अन्य अध्ययन के निष्कर्षों से भी पुष्टि हुई है। इन अध्ययनों के आधार पर रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के विषाणु विज्ञान विशेषज्ञ पॉल बाइनियाज का कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में इस तरह के लोगों को कुछ नहीं होगा, और आने वाले समय में कोविड 19 के कुछ और वेरिएंट्स भी अगर सामने आते हैं तो यह लोग उनसे भी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। सिर्फ यही वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि रॉकफेलर यूनिवर्सिटी की ही एक अन्य वायरोलॉजिस्ट थियोडोरा हेजियोआनो कहती है कि आज जो सार्स सीओवी2 वायरस पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है उसे काफी अलग सार्स सीओवी1 वायरस 20 साल पहले आया था। मैं दावे से कह सकती हूँ कि बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी वाले लोगों के एंटीबॉडी सार्स सीओवी1 को भी मात दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश भर समेत दुनिया भर में कोविड 19 मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद भारी संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती भी हो रहे हैं और कई लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ऐसे लोगों की जानकारी निकल करके सामने आना जो पहले से ही बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी जिनमें मौजूद है, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।